ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती, समर्थन मूल्य पर बेची गई उपज का समय पर भुगतान नहीं होने, सोसाइटी कर्ज की तारीख आगे बढ़ाने आदि मांगों को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के घेराव की सूचना पर तहसीलदार कैलाश नारायण ओझा सहित बड़ी संख्या में पुलिस तैनाती की गई थी। बाद में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के पिछले सप्ताह से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील कर रहा था। मंगलवार की सुबह 11 बजे ही मीना समाज के धर्मशाला में किसान इकट्ठा हुए और बाद में सभी वाहन रैली के रूप में विवेकानंद चौराहा पहुंचे और वहां से पैदल नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां खूब नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में मांग की गई है कि 4 अप्रैल से जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है, लेकिन करीब 1.5 माह का समय बीत गया, किसानों को राशि का भुगतान नहीं हुआ जो शीघ्र किया जाए। सोसाइटी में कर्ज जमा करने की तारीख 15 अप्रैल थी, जो बढ़ाकर 30 जून की जाए। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण समय पर सोसाइटी का जमा नहीं कर सके, जिसके चलते उन्होंने 14% तक ब्याज लिया जा रहा है और उस पर रोक लगाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही कटौती से परेशान, समर्थन मूल्य की राशि खातों में डाली जा रही है उस पर लगाई जाए। और आपको बता दें, इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष राजा शर्मा, लखन सिंह मीना, लखन सिंह बघेल, राजकुमार राहुल राज एवं किसान साथी मौजूद रहे। सर, मैं लाखन सिंह मीणा हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला विदिशा का संभागीय उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने राष्ट्रीय किसान मजदूर जिला विदिशा के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, जिसमें हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 4 अप्रैल से अभी तक जो गेहूँ का 65 गेहूँ तोला है वो वापस नहीं मिल रहा है। सोसाइटी हमारी ओवरड्यू हो गई, उन पर हमारे लिए 14% का ब्याज लग रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी इसकी ड्यू डेट 30 जून की जावे, और जो विसंगतियों से हम 1.5 महीने से परेशान हैं, आधा पैसा कट चुके हैं। कलेक्टर महोदय जी ने जो हमको आश्वासन दिया है, आश्वासन कि मैं ये आपकी बात को ऊपर रखूँगा, इस पर हमारी सब प्रशासन लगा है, हम उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे जिसका हल निकल सके। किसान और आज यहाँ सभी किसान, पूरे विदिशा जिले के किसान सब इकट्ठे हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से, और उनकी केवल यही प्रमुख मांगे यही है कि सबसे पहली मांग यह है कि जो गेहूं 4 अप्रैल से किसानों का तुलाई सरकार ने करी है, 4 अप्रैल से तुलाई शुरू करी और 25 अप्रैल से पेमेंट शुरू किया गवर्नमेंट ने देना सर किसानों के खातों में, और 15 अप्रैल उनके हिसाब से KCC की जो 0% वाली स्कीम गवर्नमेंट की है, जो ड्यू डेट वो 15 अप्रैल के हिसाब से रखी। जब 25 से आप पैसे ही देना शुरू कर रहे हो तो 15 का वो कहाँ से भर देगा पैसा, जब आपको गेहूँ नहीं खरीदना था वो बाजार में भेज देता आपका, वो कहीं इंतजाम करके वो कहीं से भरता अपनी इंतजाम करता। सरकार दावा करती है 7 दिन में पैसा आ जाएगा, और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसका प्रस्ताव बना के पूरे मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूँ, आपकी तारीख को आगे बढ़वाऊंगा। और जो पैसा रुका हुआ है किसानों का, जैसे सपोज करो कि किसी किसान का 3 लाख का गेहूं तला है, 3 लाख के गेहूं में से 1.5 लाख का उनने पैसा दे दिया किसी दूसरी बैंकों में, कहीं पोस्ट ऑफिस में भेज रहे हैं, कहीं वर्षों